मी 11X, पोको एप 3 और रेडमी के 40 के लिए एक्सटेंडेड XT रोम का न्यू अपडेट आया हुआ है, और एक्सटेंडेड XT जो रोम्स है ये 7 तक अब जो है बंद भी हो जाएगा, ऐसा कुछ जो नोट्स देखा था उनकी तरफ से आया हुआ था। प्रॉपर पढ़ा तो नहीं था लेकिन कुछ चीज़ें देखा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है एंड हो रहा है इसका, तो आगे साथ अपडेट अब देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो एक्सटेंडेड का रोम आया था 7.0 आया था मी 11X के लिए, अभी 7.5 आया नहीं था, 7.6 डायरेक्ट देखने को मिला था। अब देखते हैं जितने भी चेंजेस हुए उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि एक्सटेंडेड XT 7.6 का ये ऑफिशियल एंड्रॉइड 13 बिल्ड है। सिक्योरिटी पे सेम मई 2023 का ही है, कर्नल भी सेम है, कर्नल भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ ना ही अपडेट हुआ है। सेलेनिक स्टेटस इनफोर्सिंग मिल जाता जैसे कि पहले था, और इसके अंदर यहाँ पे जो है आप आपको कुछ कुछ हेडर इमेज भी सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बैटरी के अंदर मिल जा रहा है। इसी तरीके से कुछ कुछ जगह और भी अब आपको देखने को मिलेगा, तो इसी तरीके जो है इमेज आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स में अब देखने को मिल जाएगा। एक तो ये चेंज रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम इसके एक्सटेंशन के अंदर से, यहाँ क्या कुछ चेंज हुआ है, तो चलते हैं इसके अंदर। हालाँकि यहाँ पर जो एम्बिएंट डेकोर है, स्टार्टिंग के कुछ ऑप्शन हैं इनमें कहीं पर चेंज नहीं हुआ, एनिमेशन भी सेम ही है, बटन भी सेम है। जेस्चर में यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है टर्न ऑफ का यहाँ पे एक ऑप्शन था, स्क्रीन टाइम आउट, इसका टाइम आउट कहने की था वो रिमूव हुआ है। बाकी क्विकली ओपन कैमरा यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है, बाकी यहाँ कोई चेंज नहीं, बस वही इमेज जैसे कि बताया ऐड हुआ है काफ़ी जगह। एंड लॉक स्क्रीन में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, लॉक स्क्रीन पूरी तरीके से सेम रहने वाला है, यहाँ कोई चेंज नहीं। नेविगेशन बार के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ये भी जो है पूरी तरीके से सेम रहने वाला है। एंड नोटिफिकेशन में किल ऐप बटन का ऑप्शन न्यू देखने को मिल जाता है, बाकी पूरा का पूरा यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। और फिर यहाँ पे पावर मेन्यू सेम है। क्विक सेटिंग में कुछ चेंजेस है, जैसे कि ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल पहले दो मिलता था, एक तो फील्ड वाला और एक थिन वाला दो मिलता था, और अब पॉपअप सेटिंग पहले मिलता था, अभी कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है सेटिंग्स। और यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल काफ़ी सारे अब देखने को मिल जाते हैं, तो ये एक चेंज यहाँ पर रहेगा। और नीचे यहाँ पे आते हो तो फिर यहाँ पे जैसे कि QoS हेडर में 11 इमेज मिल जाती है, ये था, बट अब कस्टम हेडर इमेज भी ऐड कर दिया गया, तो कस्टम इमेज भी अब यूज कर पाओगे, ये न्यू ऐड हुआ है। एंड QoS डुअल टोन जो बैकग्राउंड कलर के लिए दिया गया यहाँ पे QoS पैनल के लिए, ये एक आपको न्यू मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये आपका टाइल स्टाइल सेम रहेगा, और यहीं पे नीचे जो है डाटा डेली डाटा यूजेज जो है ये न्यू इसके अंदर अब ऐड कर दिया गया था। कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। और स्टेटस बार हालांकि पूरा पूरा सेम है, स्टेटस बार में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ इस अपडेट के अंदर में, ये पूरा हमारा सेम है। बैटरी स्टाइल या बाकी जो सेटिंग्स देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ सेम पहले वाला ही है। थीम रूम के अंदर काफ़ी चेंजेस हुए हैं, ये तो आपका ऊपर सेम रहेगा, बट वाईफाई के अंदर सेकंड और थर्ड यहाँ पे आइकन स्टाइल न्यू है। सिग्नल यहाँ पे इसके अंदर भी सेकंड थर्ड न्यू है। एंड फॉन्ट स्टाइल सेम रहेगा, आइकन शेप सेम रहेगा, बट यहाँ पे वॉल्यूम पैनल स्टाइल यहाँ पे ये न्यू ऐड किया गया है। डिफ़ॉल्ट हमें कुछ इस तरीके का मिलता है, बट यहाँ पे रियलमी UI और फिर राइस स्टाइल जो है यहाँ पे वॉल्यूम पैनल का वो आप चेंज कर पाओगे, तो ये यहाँ पे दो मिल जाते हैं। साथ साथ नहीं का टोन आपको मिलेगा, टू टोन जो वाले कलर ये आपको मिलेगा, और इसी में जो है टू टोन कलर एक और आपको थिन वाले में भी मिल जाता है, तो ये चेंजेस रहेंगे। अब यहाँ पे सेटिंग डैशबोर्ड स्टाइल ये भी न्यू ऐड किया गया, ये मेन सेटिंग्स का जो कार्ड स्टाइल में यहाँ पे इस तरीके जो है सेटिंग्स कर देता है, तो ये इसके अंदर न्यू ऐड किया गया, जो कि डैशबोर्ड स्टाइल में आपको यहाँ पे जो है सेटिंग्स आपकी मेन मिलेगी, तो ये इसके अंदर एक चेंज हुआ यहाँ पे। तो इतने चेंजेस थीम रूम में देखने को मिल जाते हैं। बाकी फिर एक्स्ट्रास में जाते हो तो यहाँ पे गूगल सर्विसेज जो है न्यू ऐड किया गया है। एंड अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज न्यू ऐड किया गया है। नेटफ्लिक्स प्रूफ हमें न्यू देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे नीचे आने के बाद यहाँ पे जो सिस्टम हैप्टिक्स दिया गया ये न्यू ऐड हुआ है। हैप्टिक्स तो हमें मिलता था, बट यहाँ पे अब आपको कंट्रोल करने के लिए दे दिया गया, तो अब यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे वॉल्यूम पैनल हो, ब्राइटनेस स्लाइडर हो, सभी को हैप्टिक्स को कंट्रोल कर पाओगे। हाइट डेवलपर स्टेटस ये भी इसके अंदर न्यू ऐड किया गया था। ये चेंजेस सारे जो है यहाँ पे एक्स्ट्रास के अंदर मिलते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये आपका जैसा पहले था उसी तरीके से रहेगा, पूरा सेम है। कनेक्टेड डिवाइसेस भी सेम ही है, कास्ट बिल्कुल आपका वर्किंग रहने वाला है। ऐप्स के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो इसका लॉन्चर है पूरा सेम है, लॉन्चर में बिल्कुल भी चेंज नहीं मिलता, ये जो है सारी सेटिंग सेम ही रहने वाली है, तभी इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। बैटरी के अंदर इमेज चेंज हुआ एक तो, ये जो है यहाँ पे ग्राफ आपको इस तरीके से मिलता है ग्रीन में मोटा इस तरीके से, ये पूरा न्यू देखने को मिल जाता है। बाकी इसके सेटिंग्स में कहीं पे कोई चेंज यानी कि अब आपको नहीं मिलता, सिर्फ ऊपर जो है वही आपको चेंजेस मिलते हैं। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में यहाँ पे वाइब्रेशन एंड हैप्टिक सेम रहेगा, और बाकी जो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं नीचे ये सब सेम रहेगा, इनमें चेंज नहीं हुआ है। डिस्प्ले के अंदर भी यहाँ पे कुछ ही चेंज है, लॉक स्क्रीन आपका जो है यहाँ पे पूरा पूरा सेम रहेगा। बाहर में सिर्फ एक चेंज है कि इसके अंदर अब जो है यहाँ पे DC डिमिंग ऐड किया गया है, ये आपको मिल जाएगा। बाकी रिफ्रेश रेट का ऊपर मिलता था जैसे पहले उसी तरीके से रहने वाला है, यहाँ पे आप सेट कर पाओगे। और वॉलपेपर स्टाइल सेम है, लेकिन जो वॉलपेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, लेकिन और कुछ यहाँ पे चेंज नहीं है।
और सिक्योरिटी के अंदर भी सेटिंग में कोई चेंज नहीं है, ये डिक्रिप्ट करके मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड आता है रोम, और सेटिंग में भी कोई चेंज नहीं है। फिंगरप्रिंट और जो फेस अनलॉक है काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसको लेके हमें कोई दिक्कत देखने को फिलहाल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो है एनिमेशन या सारी चीज़ें जो है अच्छा रहने वाला, तो यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं है। एंड सिस्टम के अंदर ये भी हालांकि हमारा सेम ही है, अपडेटर मिल जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। एंड एनिमेशन के मामले में अगर हम देखें तो नॉर्मली तो एनिमेशन आपको अच्छा मिल जाता है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नॉर्मली एनिमेशन में नहीं है। सेटिंग पे आप सेंटर पे मिल रही है, नहीं तो राइट साइड में रहा होता था, और सेटिंग पे होल्ड करोगे तो डायरेक्ट एक्सटेंशन पे जाओगे, तो इस तरीके जो है चीज़ रहेगा। बट टाइल्स इसके अंदर कोई भी न्यू टाइल्स नहीं ऐड हुआ है, टाइल्स वही पहले वाले ही रहने वाले जो 7.0 में था वही सेम है। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग्स भी हमें सेम मिलती है, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ पहले भी आपको बताया था कि जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में लाइट लैग करता है, काफ़ी लाइट सा जिटर करता है, वो आपको इसके साथ अभी भी जो है देखने को यानी कि मिलता हुआ लाइट सा जिटर, लेकिन नॉर्मल काफ़ी स्मूथ है। वॉल्यूम पैनल सेम रहेगा जैसे कि बताया आपको, एंड ऐप ओपनिंग जो है एनिमेशन ये सब आपका यहाँ पे अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा इसके अंदर अपर्चर का ही इनबिल्ड देखने को मिलता है, बाकी आप जीकैम यूज़ करना चाहो तो यहाँ पे मैन्युअली इंस्टॉल कर लेना, बाकी प्री इंस्टॉल जो कैमरा आता है वो अपर्चर वाला ही मिलेगा। डॉल्बी एटमोस मिल जाता है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट ये भी हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इसको लेके भी दिक्कत नहीं है। गैलरी नॉर्मल आती है, बट गूगल फोटो इंस्टॉल करोगे तो अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा, ओके गूगल काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐप डोर पे मिलती है, और प्ले स्टोर इसका बिल्कुल सर्टिफाइड है, तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं। सेफ्टी नेट बिल्कुल इसके अंदर हमें पास मिल जाता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। कॉलिंग के अंदर में कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा, वाईफाई कॉलिंग अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी वर्किंग है, एंड ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर अच्छे से काम कर, बाकी 5G भी वर्किंग है, बस रिकमेंडेड FW जो डिस्क्रिप्शन पे है वो आप यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड बैटरी बिकअप देखते हो तो 2 आवर 80% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 94 मिला है, पिछले में 93 था सेम यूजर्स पे, तो 1% इंप्रूवमेंट है, लेकिन ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, उतना पिछले जैसे ही रहेगा। एंड चार्जिंग देखते हो तो 55% चार्ज होने में 47 मिनट के करीब का टाइम लगा है, और बैटरी ड्रेन जो इसका है वही 3% का देखने को मिल जाएगा, पिछले में भी 2 से 3% था, तो सिमिलर ही यहाँ पे मिल जाएगा। और एंटूटू स्कोर 9,44,000 मिला है, पिछले में 9,34,000 जो है स्कोर देखने को हमें मिला था। और CPU थ्रो रेट इस बार जो है 84% मिला, और इसका जो जीप स्कोर है मैक्स पे 2,57,000 है, एवरेज स्कोर 2,26,000 है। पिछला CPU थ्रो रेट 92% था, और उसका जो जीप स्कोर था मैक्स पे 2,53,000 था, एवरेज स्कोर 2,42,000 जो है देखने को मिला था, कुछ इस तरीके से रहेगा। गीगबेंच स्कोर में यहाँ पे सिंगल में जो है 1,311 मिला है, मल्टी स्कोर में 3,496 है, पिछला जो सिंगल स्कोर था हमारा 1,283 था, और मल्टी के अंदर 3,349 जो है देखने को मिल जाता था, तो कुछ इस तरीके का ये स्कोर रहेगा। एंड यहाँ पे गेम स्पेस में कोई चेंज नहीं, गेम स्पेस पूरा आपका सेम ही रहेगा, और जो ग्राफिक हमें मिलता है वो भी सेम ही रहने वाला है, ग्राफिक में भी ऐसा कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, ग्राफिक भी सेम है 90 FPS जैसे कि अभी देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, तो 90 FPS नहीं है, बाकी आप स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे मैं खेलने वाला हूँ, और इसके अंदर क्लासिक भी खेल रखा हूँ। गेमिंग परफॉर्मेंस हालांकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर के पहले भी उसे आपको बोला था कि इसके अंदर अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस है, और अभी भी आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस इसके अंदर अच्छा ही देखने को मिलता है, तो गेमिंग को लेकर के ऐसा दिक्कत नहीं। क्लोज रेंज फाइट में भी अगर हम जाते हैं, क्लासिक जब खेला था क्लोज रेंज फाइट के अंदर भी हल्का फुल्का जिटर ज़रूर करता है, काफ़ी हल्का लाइट कह सकते हो उसको कि काफ़ी कम करता है, बिल्कुल हैवी बिल्कुल भी नहीं लैग करता है क्लोज रेंज फाइट के अंदर में भी, जब स्क्वाड पूरी रश कर देते हैं उस टाइम पे भी मैं देखा तो इसके अंदर थोड़ा बहुत ही जो है काफ़ी कम यानी कि लैग रहता है भी, तो बिल्कुल भी नहीं, उतने पे आप आराम से खेल जाओगे, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे रहने वाला था। यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें देखने को फिलहाल इस बिल्ड में मिल जाता है, तो आज के भी इतना ही। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।